हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिस्टेरिस हानि क्या होती है। तो हिस्टेरिस लॉस के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या देखिए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनका क्षेत्र बढ़ जाता है, तथा घूर्णन के कारण भी चुंबकन की दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप हो जाती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किए गए आकार पदार्थ में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबकन के समान पदार्थ को दी गई ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर पूर्णतः उपलब्ध नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को हिस्टेरिस हानि कहते हैं। तो मतलब क्या रहता है, इसमें जब इसको हम करते हैं तो जो रहता है मतलब कुछ गुण इसका चला जाता है और कुछ गुण वापस आ जाता है, मतलब पूरा ना समाप्त होता है ना पूरा आता है। तो इसी मतलब जो लॉस होता है इसमें वही हिस्टेरिस लॉस कहलाता है। तो ये देखिए क्या है, या उष्मा के रूप में प्रकट होती है जिससे पदार्थ को बार बार विचुंबित करने पर वह गर्म हो जाता है, यानी कि इसको बार बार चुंबकित जब करेंगे तो मतलब पदार्थ गर्म हो जाता है। तो क्या होगा, चुंबकन के एक चक्र में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली हिस्टेरिस हानि माने I-H हिस्टेरिस लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। इसका ये पॉइंट है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, चुंबकन के एक चक्र में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली हिस्टेरिस हानि I-H हिस्टेरिस लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और कुछ ना कुछ पूछना हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।